तो हेलो गाइज, वेलकम बैक, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू गेमिंग वीडियो। तो गाइज, आपको पता होगा कि ईवल नन जो है वो आइसक्रीम सिक्स में काफ़ी बड़े रोल में दिखाई दी गई है। मतलब आइसक्रीम सिक्स में हमको ईवल नन का कटसीन देखने को मिला है, जिसमें हमें ईवल नन का एक और भयानक रूप देखने को मिला। बट क्या ये भयानक रूप खुद ईवल नन का है? अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा जब एक नन ईवल नन के स्कूल में एंटर कर रही होती है, ईवल नन दरवाज़ा खोलती है, उसके बाद जब वो उसे डराती है, उस नन को ईवल नन जब डराती है, तो ईवल नन के अंदर से केवल एक आवाज़ नहीं निकलती, अगर आप उसे ध्यान से सुनोगे तो दो दो आवाज़ें निकलती हैं। मतलब एक तो खुद ईवल नन की होती है और दूसरी आवाज़ एक डेविल की होती है, जो कि ऑफकोर्स नजरत ही होगा, क्योंकि वही है जो उसकी मदद करता है हर चीज़ में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस गेम के यानी ईवल नन के एंड होते होते हमें सिस्टर मेडलाइन एक अच्छे रूप में देखने को मिले, नजरत ने जबरदस्ती इसे अपने वश में कर रखा हो? क्योंकि ईवल नन के चैप्टर 2 में भी हम देख सकते हैं कि जो ईवल नन है, जब वो नजरत के आगे भीख मांग रही होती है अपनी बच्ची एलिसा के बारे में, तो नजरत उससे काफ़ी सारी चीज़ें बहका बहका के पता नहीं क्या क्या बताता है एंड उसे अपने वश में कर लेता है। उसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि ईवल नन बहुत ही ज़्यादा नजरत की पूजा करती है, और आखिरकार थी तो वो भी एक नॉर्मल नन ना, तो इसलिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब इस गेम का एंड हो तो हमें ईवल नन एक अच्छे रूप में देखने को मिले, मे बी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि ईवल नन कभी सुधरेगी या फिर हमेशा ऐसी ही रहेगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, gamerster2.0। उस पर जैसे ही पहले 100 या 200 सब्सक्राइबर होंगे तो उसका पहला गेम प्ले मैं डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। As you may understand, I had no choice other than... Here you will stay. From this moment on, you will be my slave! Here you will stay. From this moment on, you will be my slave! Here you will stay. From this moment on, you will be my slave. Here you will stay. From this moment on, you will be my slave.